Cumbereaca. डैड भी ना एक नंबर के बुलक्कड़ है। क्यों भाई, अब क्या हुआ? मैंने उन्हें कहा था कि मराठी गाइड लेके आओ, ये देखो मुंबई टूरिस्ट गाइड लेके आ गए। अंकल भी ना एक नंबर के बुलक्कड़ है ना। मीनाक्षी तू क्या पढ़ रही है? कॉमिक। कॉमिक? हम लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और तू कॉमिक पढ़ रही है, हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। ओए डफर, मैं सिर्फ यहाँ तुम लोगों को कंपनी देने के लिए बैठी हूँ, मेरे थोड़ा ना एग्जाम है। अलादीन का चिराग की स्टोरी है। अलादीन का चिराग, काश मेरे पास भी ऐसा एक जिन होता जिससे मैं सारे क्वेश्चन पेपर्स मांग लेता। अच्छा ये मोटे को ये नहीं पता कि मैं भी जिन हूँ, वरना ये तो मेरे पीछे पड़ जाता। ओए डफर, अगर जिन मिल जाए तो पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? हाँ यार, फिर तो ऐशी ऐशी। अबे यार, जिन जिन को जिन चाहिए ना, वो बाहर जाके जिन ढूंढ। और ओ ऐश भैया, अपनी पढ़ाई में ना थोड़ा सा दिमाग लगा लो। ओके बच्चों, ये लीजिए ठंडा ठंडा कूल कूल। आंटी कुछ खाने को दो ना। क्यों, मम्मी ने नहीं दिया खाने को? अरे कहा दिया, कोई महाराज जी आए हुए हैं, उन्हें डेढ़ महीने से अच्छा खासा खाना खिला रहे हैं और हमें बचा कुचा खिला रही है। अरे ये परविंदर भी ना पता नहीं कैसे कैसे महात्माओं के चक्कर में पड़ती रहती है। अरे कौन सा उसे अलादीन का चिराग दे देगा वो? चिराग लो। बाबा जी इसका मैं क्या करूंगी, और कोई मेरे को कड़ाई श्राई देते मैं आपको हलवा बना के खिलाती। मालिके, ये मामूली चिराग नहीं है। क्यों, बहुत महंगा है क्या? ये जादू ही चिराग है। क्या बात कर रहे हो, इसे तुम घिसोगी तो इसमें से जिन निकल कर आएगा, उससे तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। क्यों फेंकता बाबा जी? अब मेरा कहने का मतलब, बाबा जी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये इतना ही जादुई है तो आप मेरे घर में एक महीने से राशन क्यों फट रहे थे, इससे मांग लेते ना। मालिके, मैं तो परमात्मा का दर्शन चाहता हूँ, जो ये नहीं करवा सकता। थैंक यू बाबा जी। अलक निरंजन, अलक निरंजन। जी बाबा जी। तो अब इस चिराग का मैं क्या करूं, ट्राई करके देखती हूँ कि ये असली है भी या नहीं। हुकम मेरी आकी। ए, आकी क्या होता है? हाँ, अगर मुझे कोई मर्द बुलाता तो मैं कहता हुकम मेरे आका। इसका मतलब मैं जो भी मांगूंगी वो तुम मुझे दे दोगे? हाँ। सुनो सुनो, मेरे पास सिर्फ एक ही डायमंड की रिंग है, मुझे एक डायमंड की रिंग और चाहिए, एक सॉलिटेयर वाली। हुकम मेरी आकी। मेरे को तो रिंग मिल गई। ओह वाव, एक सॉलिटेयर डायमंड की रिंग। इसका मतलब मैं इससे दुनिया के कोई भी जेवर चाहूं वो ले सकती हूँ। यस, श्रद्धा श्रद्धा बजाय जी, श्रद्धा बजाय जी, नी बजाय जी, श्रद्धा। ओहो भाई साहब, मैं श्रद्धा नहीं परविंदर हूँ। आप परविंदर हैं? तो फिर श्रद्धा कहाँ है? ओहो परविंदर, क्या बात है, तुम यहाँ आ गई श्रद्धा। ओहो क्या कह रहे हैं आप, मैं श्रद्धा नहीं हूँ, नफीसा हूँ। तुम श्रद्धा नहीं हो तो मेरी श्रद्धा है कहाँ? लगता है पूरे मोहल्ले की बीवियां मेरे घर में आ गई है, मेरी बीवी के सिवा। अरे परविंदर, अरे नफीसा, तुम दोनों यहाँ आ गई? नहीं 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 नहीं, ये भी कहेंगी मैं श्रद्धा नहीं हूँ। अरे मैं श्रद्धा हूँ भाई। आर यू श्योर? श्योर, एब्सोल्युटली श्योर, एब्सोल्युटली श्योर। लॉक किया जाए? लॉक किया जाए। ओके क्या कर रहे हैं आप? मैं श्रद्धा नहीं हूँ, यही कहना चाहती हो ना तुम? अरे मैं श्रद्धा हूँ। ओ यार, तुम लोग है ना मुझे कंफ्यूज कर देते हो। ओफो, आपकी बातों से तो मेरा सर दर्द होने लगता है। आपको सर दर्द हो रहा है? हाँ। तो मैं आपका सर दबा देती हूँ। ओहो, दबा रही है या कुछ दिखा रही है? मेरी नई डायमंड की रिंग, बताओ ना कैसी है? अच्छी है ना, अच्छी है ना, अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी।
अच्छी है। ओफो, इनकी रहने दो, ये देखो ये अंगूठियाँ कैसी है। अरे नफीसा, तुम्हारी अंगूठियाँ और परविंदर की अंगूठी, ये तीनों एक जैसी हैं। हाँ जरूर एक ही दुकान से ली होगी। अरे नहीं नहीं, दुकान से नहीं, ये तो अपने आप मेरे हाथ में आ गई। अपने आप? हाँ, मिर्जा साहब ने नहीं, अपने इल्म से बनाई है। अरे जाओ जाओ, आप तो बस चुप ही रहो। श्रद्धा भाभी, आप एक काम करो, ये एक अंगूठी आप रख लो। मैं? हाँ, अब दो दो एक जैसी अंगूठियों का मैं क्या करूंगी, और वैसे भी मुझे अंगूठियां सिर्फ दिखानी नहीं देनी भी आती है। शाबाश, मेरी जैसी दो अंगूठियां इसके पास कैसे? मेरी हंसी चुरा के तू कैसे हंस सकता है बेईमान? हुकम मेरी आकी। मुझे एक बात का जवाब दे, तूने मेरे को ये डायमंड की रिंग दी थी? हाँ। ऐसी ही दो डायमंड की रिंग्स नफीसा के पास कहाँ से आई? ओहो, लगता है जिसने तुम्हें ये चिराग दिया है तुम्हें ये नहीं बताया कि जो भी तुम मांगोगी उसका डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। सच? चुप, हंसना बिल्कुल बंद। मम्मी जी। हाँ जी। मुझे बहुत भूख लग रही है, खाने को दो ना। ओ मेरा बच्चा, आज तो मुझे बता, महंगी से महंगी खाने खेलने वाली कोई भी चीज तेरे को चाहिए वो मैं तुझे लाके दूंगी। क्यों, आज आप बड़े खुश लग रहे हो, लगता है सुबह से पापा जी की शक्ल नहीं देखी। चुप बदमाश। अच्छा तो मम्मी जी, मुझे एक कंप्यूटर, एक वीडियो गेम, एक क्रिकेट का नया बैट और पिज्जा खाने को चाहिए। क्रिकेट का बैट खाने को चाहिए या पिज्जा खाने को चाहिए? पिज्जा मम्मी जी प्लीज। अच्छा एक काम कर, तू जाके अपना मुंह हाथ धो के तैयार शार हो, मैं तेरे को पिज्जा लाके देती हूँ। मेरी आकी, सुनो मेरे बेटे को पिज्जा खाना है, पिज्जा लाके दो। वाओ अम्मी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अरे ये पिज्जा कहाँ से आ गया, वो भी दो दो। हमारे घर में नई नई चीजें आई है, ना कंप्यूटर, ना वीडियो गेम और ना म्यूजिक सिस्टम। ए चिटंकी, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे घर में भी ये सब नई चीजें आई हुई हैं। एक दफर, तेरे घर में तो सिर्फ एक एक आइटम है मगर इसके घर में दो दो आइटम है। एक इसके लिए और एक इसके फ्रेंड्स के लिए। यस। क्या वो कंजूस मक्खी चूस मिर्जा अंकल को पागल कुत्ते ने काट लिए? पागल किसको बोलता है वे? पागल होगा तेरा बाप। ए, मिर्जा अंकल, मेरे पापा जी को पागल मत कहना। अरे तेरे पागल पापा को पागल बोलना ही सबसे बड़ा पागलपन है। हाँ। ए! मिर्जा अंकल भी कूल, शांति रखिए। और मोटू भैया, आप अपने घर पे जाके बर्गर खाओ ना, यहाँ पे क्यों हो? तो तुम लोग भी मेरे साथ चलो ना। नहीं नहीं, हम लोग आपके घर पे नहीं आएंगे, हम लोग तो स्वीटी के घर पे जाएंगे। क्यों? स्वीटी के घर पे दो दो कंप्यूटर है, एक पे ये बैठेगी, एक पे हम लोग बैठेंगे, और मीनाक्षी दीदी म्यूजिक सिस्टम सुनेगी। आई एम अ डिस्को डांसर, टक नक। आई एम अ डिस्को डांसर, टक नक। ओए प्रोफेसर, ओए प्रोफेसर, यार मैं बड़ा परेशान हूँ। अच्छा परेशान क्यों? गाली ये है कि आजकल मेरी बीवी मेरे से पैसे नहीं मांगती। अरे कितनी खुशी की बात है, अरे भांगड़ा कर, अब बल्ले बल्ले बल्ले, तेरी बीवी तुझसे पैसे नहीं मांग रही है। ना ना यार समझा कर, प्रॉब्लम ये है कि नई नई चीजें खरीदने के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं। अरे ये तो और भी खुशी की बात है, और जोरों से भांगड़ा कर, तेरी बीवी तुझसे पैसे भी नहीं मांग रही है और चीजें खरीद कर घर ले आ रही है, कितनी खुशी की बात है वतन। बेटे वो तेरा बीवी उसकी और मुझसे पूछ रहा है। अबे फिटे मुंह तेरा। मम्मी जी, हमारे घर पे कंप्यूटर, वीडियो गेम और क्रिकेट बैट एक एक ही क्यों है? पुत्र नॉर्मल घरों में एक एक ही होते हैं। आपको पता है मेरे सारे दोस्त लोग कह रहे हैं कि तेरे घर पे एक कंप्यूटर है जिस पर तू खुद बैठ जाएगा, तो हम लोग कैसे खेलेंगे? तो तेरी ये टेंशन है ना। हाँ पुत्र, तू टेंशन मत ले, जो जो तेरे पास एक चीज है ना वो मैं दो मंगवा दूंगी। ओके प्रॉमिस। यस ओके। वे, ये क्या कर रही है? तुम इतना हंसते क्यों? हुकम मेरी आकी। आकी? जो जो चीजें मैंने तुमसे मंगवाई थी ना, एक एक और कर दो।
जो हुक्म मेरी आती। तो ये राज है हमारे घर में नवी नवी चीजें आने का। ओ परविंदर, अच्छा वो आप आ गए, पता है मैं बहुत परेशान हूँ। ले जिन भूत पालेगी तो परेशान तो होगी ना। अरे नहीं नहीं, जिन भूत से परेशान नहीं हूँ, वो तो आपकी तरह मेरा गुलाम है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि पता है क्या, हम जब भी कोई चीज मांगते हैं ना तो हमारे पड़ोसियों को डबल मिलती है। ओहो, तो ये राज है मिर्जे के पास सारी चीजें डबल डबल आने का। मैं देखूं वो कंजूस चाना कितना बदल कैसे गया। अच्छा, जो कुछ हम मांगते हैं उसका डबल उसको मिलता है, है ना चिराग? इधर ला, तेरे को मांगना नहीं आता है कमलिए, अब देख तमाशा। जो हुक्म मेरे आका। तुम मेरे आका, भाई साहब अब एक काम करो, मेरा एक हाथ तोड़ दो। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, चुप कर। मैंने क्या कहा आपसे? मेरा एक हाथ तोड़ दो। जो हुक्म मेरे आका। तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे, अरे दे दाता के नाम, तुझको अल्लाह रखे। तुम चुप करो। अम्मा बेगम, इस बारे दो पैसे कमाई तो हो जाएगी। ओफो, तुम भी ना। या अल्लाह, नफीसा आंटी, अरे ये रस्सी बांध के बैलगाड़ी क्यों खींच रही हो? अरे बैलगाड़ी में इस बैल को खींच रही हूँ। क्या कहा तुम? कैच चमाट, अब तुम्हारे दोनों हाथ तो रहे नहीं, अब तो चुप करो। अरे मिर्से, तू अपने ओरिजिनल रोल में कब से आ गया यार, भिखारी कब से बन गया? अरे अंकल अंकल, गजब हो गया। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे? मैं तो आपके घर गया था। क्यों, इनके घर में कुछ गजब हो गया? अरे इनके घर में नहीं, मेरे घर में गजब हो गया है। तो इनके घर क्यों गया था? अरे इन्हें बताने की गजब हो गया है। और कितना गजब हो गया, गजब हो गया बोलता रहेगा, अब बोलेगा क्या गजब हुआ? अरे गजब ये हो गया कि मेरे पापा जी का एक हाथ और एक पैर टूट गया है। अरे भैया मुबारक हो, मुबारक हो। ओहो, क्या कह रहे हैं आप? अरे वहाँ तो एक ही हाथ और एक ही पैर टूटा है, यहाँ तो दोनों हाथ और दोनों पैर टूटे। ये सब क्या हो रहा है अंकल? मुझे नहीं मालूम। मैं बताती हूँ क्या हुआ है। परविंदर, परजाई जी, मेरे को ना एक साधु एक जादुई चिराग दे गया था, उसको जब मैं कसूंगी ना तो उसमें से एक जिन निकल के आएगा और जो भी मैं मांगूंगी वो मुझे तो मिलेगा ही, मेरे पड़ोसियों को डबल मिलेगा। क्या? यानी कि वतन सिंह भाई साहब ने जानबूझकर अपना एक हाथ और एक पांव तोड़वा लिया ताकि इसके दोनों हाथ और दोनों पैर टूट जाए। उन्होंने तो अब सोसाइटी की मीटिंग बुलवा ली और वहाँ पे कह रहे हैं कि मैं अपने आधे कपड़े खोलवाऊंगा। अच्छा, तो ये सब मेरे जात बिरादरी वाला जिन ही कर रहा है। देखता हूँ कि वतन अंकल ने वो जादुई चिरा कहाँ पर रखा है। तो वतन अंकल, आपने इतना छुपा के रखा है ये अपना जादुई चिरा, देखता हूँ। देखता हूँ अब इस चिराग में से कौन निकलता है। हुक्म मेरे आका। अबे मेरे काका, मुझे पहचान, मैं तेरी बिरादरी का हूँ। अरे हाँ, तू भी जिन है, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? देख मेरे भाई, मैं तुझे समझाने आया हूँ। तू मुझे समझाने आया है? हाँ, हम क्या हैं? हम जिन हैं और हमें अपनी शक्तियाँ किसी के भलाई के लिए यूज करनी चाहिए ना। तुझे क्या लगता है मैं बुराई के लिए कर रहा हूँ? अबे जो जो कुछ मांगता है उसे मैं दे देता हूँ। अच्छा, अबे चिरकुट, तूने मिर्जा अंकल के हाथ पांव तुड़वा दिए, उनका घर खाली करवा दिया, ये कहाँ की भलाई है बे? वो मैंने नहीं किया है, वो मिस्टर वतन सिंह ने। तू मुझे सबक सिखाएगा। मैं तो तुझे बच्चा समझ के कच्चा खा गया। हाँ, अब मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा। Yeah!
अबे ये आका का काका तो बहुत शक्तिशाली निकला यार, क्या करूं, किसकी मदद लूं? गुरुजी, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश, अवाहन अवाहन अवाहन। गुरुजी, अरे गुरुजी आप क्या हुआ चिल्ली बेटा? अरे गुरुजी ये मत पूछिए क्या हुआ, मैं बॉल बन गया हूँ और सचिन तेंदुलकर ने मुझे सिक्सर मारा है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बाउंड्री के बाहर। क्यों गुरुजी आपसे कोई बात छुपती है क्या? वो परमिंदर आंटी के घर वो जिना है ना, वो बहुत शक्तिशाली है, उसका मैं क्या करूँ? वो बड़ा लालची जिन है। लालची जिन? लेकिन गुरुजी उसे किस चीज का लालच हो सकता है, वो तो लोगों को बड़ी कीमती कीमती चीजें देता है। उसे अमर होने का लालच है, बरसों से तपस्या की है उसने, बड़ा शक्तिशाली है, उसे वरदान मिला है, वो जिस किसी के सर पर हाथ रखे वो वहीं भस्म हो जाए। बाप रे, अगर वो मेरे सिर पर हाथ रखता तो मैं भी भस्म हो जाता। तुम क्या, वो खुद अपने सर पर हाथ रखे तो खुद भी भस्म हो जाएगा। अरे हाँ, लेकिन अगर कोई चिराग ही ना घिसे तो वो बाहर कैसे आएगा? एक ही सूरत में आ सकता है, अगर उसे पता चल जाए कहीं आसपास अमृत है। अमृत? हाँ अमृत, जिसे पीकर वो अमर हो सकता है। अबे यार गुरुजी ने भी कोई आइडिया नहीं दिया, अमृत बोल के चले गए। ये अमृतपाल का क्या चक्कर है यार? आइडिया? अबे यार चिरकुट तुझे थोड़ा ना बुलाया, तू जा। जरा से पानी के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हो, जाके फ्रिज में से ठंडा पानी लेके पी लो। पापा जी ये इसमें ठंडा पानी नहीं है, इसमें तो अमृत है। क्या कहा, अमृत है? वो अमृत जिसे पीकर इंसान अमर हो जाता है, अमृत। अमर? मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा। ओए बुलाकर चुप कर, तू तो ना अमृत पी के ये भी भूल जाएगा कि तू अमर हो गया है। हट बरा, मैं पीऊंगा इसको तो लाभ तर। ये अमृत मैं पीऊंगा। ओए इसको क्या हुआ, ये क्यों हिल गया? पी गया, पूरा पी गया। भाई वाह, अमृत तो बड़ा स्वाद है। अबे यार तेरा पाइप फट गया। ओ यार ये तो सारा वापस इसमें आ गया। यही तो प्रॉब्लम है ना अंकल, इसे ऐसे नहीं पीते। फिर इसे पीने से पहले सर पे हाथ रख के विष्णु भगवान को प्रणाम करना चाहिए। देखो ऐसे प्रणाम, अब तो देखो अब इसे ऐसे पीते हैं। देखा अंकल, अब मैं अमर हो गया हूँ, अब तलवार लेके मेरी गर्दन काट दो। भाई क्या बोल रहे, पागल हो गया तू? गल सुनो अपने पुत्र की, कहते हैं तलवार लेके मेरी गर्दन काट दो। अबे पागल हो गया, गर्दन काट दीजिए। आप लोग डर रहे हो तो डरो, मैं इसी गर्दन काटूंगा। अबे रुक जा मिंकी। नहीं नहीं पुत्र, ना मारी ना मारी। सोले, सोले, मैंने कहा था ना मैं अमर हो चुका हूँ। अब एक काम कीजिए, आप भी इसे पी लीजिए अपने सर पे हाथ रख के और अमर हो जाइए। ये अमृत तो मैं पीऊंगा, इसके लिए मैंने 17 साल तपस्या की है। अरे अंकल 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 अंकल, इसे ऐसे नहीं पीते, अमर होना है ना, अमर होना है ना। तो अपने सर पे हाथ रखो, विष्णु भगवान को प्रणाम करो और फिर पी लो पी लो पी लो। ओके। चिरकुट चला गया ना, भस्म हो गया। शाबाश बेटे शाबाश, अरे तेरा फॉर्मूला तो कमाल काम कर गया।
मुझे तुझ पे ना जरा गुस्सा आ रहा है। अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान करवाना चाहिए क्या? नहीं, एक नहीं। एक हाथ और एक पैर तुड़वा के वो बेचारे मिर्जा के दोनों हाथ पैर तुड़वा दिए। सॉरी 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 बेटर बी सॉरी। क्या कहती हो श्रद्धा? क्या कहती हो श्रद्धा? सही कहा आपने।